माफिया मुख्तार के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब 7 वर्ष पूर्व वर्चस्व की जंग को लेकर मजदूर की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहा सातिर इनामी बदमाश अनुज कनौजिया के घर पर आजमगढ़ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। बता दें कि वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वर्ष 2014 में तरवा के एराकला गांव में सड़क निर्माण करा रहे ठेकेदार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले में एक मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना में मुख्तार समेत 11 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में शामिल 10 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी का खास अनुज कनौजिया पुलिस की पकड़ से दूर रहा। लगातार फरार रहने पर पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया। और उसके साथियों के ऊपर जनपद में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम है और अनुज कनौजिया लगातार फरार चल रहा है, इनामी बदमाश है, उस पर इनाम घोषित है। इस मुकदमे में जो गैंगस्टर एक्ट का है, इसमें अनुज कनौजिया की कुर्की की कार्रवाई की गई है और उसके निवास स्थान से जो भी सामान था उसे कुड़क किया गया है और अब उसे चार्जशीट किया जाएगा। किस तरह से आजमगढ़ पुलिस उसके ऊपर निगाह बनाए हुए हैं? देखिए, जो इनामी बदमाश है उसके ऊपर हमेशा निगाह रहती है और हम लोग लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो पुलिस की गिरफ्तार होगा।